आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए नाज़रीन, आज एक बार फिर आपका इस्तकबाल है बीएम अब तक में। आज हम लोग आए हुए हैं मालेगांव शहर अमन गटनी यंत्रमा कामगार यूनियन, जो बरसों से शहर के अंदर मज़दूरों के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। आज हम उनके मरकजी सदर अब्दुल खालिक, जिन्हें मालेगांव शहर की आवाम चंदन बनारसी के नाम से जानती है, आज हम उनका इजहार ख्याल लेने के लिए आए हैं कि मालेगांव शहर में जिस तरीके से कारोबार को बंद कर दिया गया है, उससे शहर के मज़दूरों का क्या नुकसान हो रहा है। आइए मुलाकात करते हैं चंदन बनारसी साहब से। मालेगांव शहर के कारोबार को 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया, तो इस पर मज़दूरों का क्या नुकसान हो रहा है, क्या ये दुरुस्त है बंद करना? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बंद से बेस लाखों मज़दूरों का नुकसान होता है। लाखों मज़दूरों से मुराद ये आती है कि जो रोकड़ा कामगार है, उनको जो डेली विजिट कमाते हैं उनके लिए नुकसान दे रहता है। जिस तरह गटनी वाले हैं, हमाल हैं, रोकड़ा मजदूर चलाने वाले हैं, और जातू मजदूर जो चलाते हैं, उनके लिए भी नुकसान है। क्या उनके चूल्हे पर असर पड़ता है इससे? हाँ, बहुत असर पड़ता है ना। घर पे चूल्हे पे बोले तो यानी 3000 का काम करने वाला आदमी 3 दिन में 1500 रुपये काम करता है, और 1000 रुपये बिजली भर देता है, और 500 रुपये में उसका घर कैसे चलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप शहर के आवाम से, मज़दूरों से, सेठ लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अपन बंद करते हैं सेठ लोग, तो मज़दूरों को भी उनका आजर देना चाहिए। जो 1500 रुपया काम अगर नुकसान हो रहा है, तो उनको 700 रुपये उनको कम से कम देना चाहिए उनको, ताकि उनकी भरपाई हो जाए। और जो मुकादम तरासन वाले मेथा, जो इनका पगार काट लिया जाता है, हाँ ये तो नहाय गलत है, क्योंकि ये हफ्तेवारी होते हैं। ये है मुकादम है, तरासन वाले हैं, मेथा हैं, ये इनका भी बहुत नुकसान हो जाता है, तो इनके भरपाई के लिए सेठ जिम्मेदार है, क्योंकि तेजी में इनको पूरी पगार देता है बंदी बोल के, और काम ज़्यादा लेता है, और मंदे में काम कम होने के सभी उसको काट लिया जाता है, तो ये नहायत ही गलत है। अमन गटनी अंतरमा कामगार यूनियन, इसके लिए क्या कोई सख्त कदम उठाएंगी? हम इसके लिए तहरीक चलाएंगे, ताकि मज़दूर जो हमारे साथ में आएंगे, मज़दूर का इत्याद होगा, और जो जो जिनका जिनका नुकसान हो रहा है, अगर ये हमारे पास आते हैं, तो हम इसकी तहरीक चलाते हैं, लेबर ऑफिसर को इसका मेमोरेंडम देते हैं, और साथ ही साथ प्रांत ऑफिसरों को भी देते हैं, कलेक्टर को भी इसका वो मेमोरेंडम देते हैं, देंगे इसका। सभी ग्राहकों का पार्श्व ज्वेलर्स तहे दिल से आपका स्वागत करता है। अपना भरोसेमंद दालन सबका पसंदीदा पार्श्व ज्वेलर्स सराब बाजार मालेगांव। अमन गटनी यंत्रमार्ग यूनियन का मैं नायब सदर हूँ, अब्दुल रशीद मोहम्मद नज़ीर। ये गांव का कारोबार जो बंद करे मालक लोग, ये अपनी मनमानी बंद कर दिए, लेकिन इसमें कामगार लोग जो है, तो खास तौर से गटनी वाले जो भीम जोड़ते हैं, वो लोग का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उनका कोई पूछने वाला है नहीं, हद से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पहले जो कामकाज कम रहता है, और बंद होने के कारण और काम नहीं रहता है, काफ़ी तकलीफ़ में वो लोग, उसके ताल्लुक से ज़रा ये कौन किन लोगों को तकलीफ़ है? भीम जोड़ने वाले जो गटनी कामगार करते हैं, रच वाले, ये लोग को भी तकलीफ़ है, भीम जोड़ने वाले को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है।